A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km/h. जो motorbike की speed है, motorbike की जो speed है ना, velocity of motorbike, VM लिख दिया, ये है 72 km/h. इसको ना पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, SI के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर जो आंसर है, वो भी जहाँ तक SI में ही दिया, मतलब क्वेश्चन को SI में सॉल्व करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप ऐसा करो, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, किलोमीटर में जो भले ही दे रखा हो, आप इसके अंदर मतलब फिर भी जैसे हम इसको SI में ही कर लेते हैं, कोशिश करो SI में ही करने की, कोई बात नहीं, बाद में मीटर में आएगा तो मीटर से किलोमीटर में चेंज करना कितना तो फर्क पड़ता है। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि इसको जो है ना SI में ही सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना? अच्छा सुनो, क्योंकि ना आवर के अंदर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब जिस तरह ना जैसे कि जैसे आगे इसने यूज कर रखा है 10 सेकंड्स का जिक्र कर रखा है, 10 सेकंड्स, तो फिर 10 सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेन मुद्दा ये फंसेगा यहाँ पे, तो फिर सेकंडों में तो बात हो ही नहीं पाएगी, सब कुछ घंटों में लेना पड़ेगा और घंटों में सब कुछ ले पाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं सही में कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अब सुनो, 72 × 5/18 कर दिया आपने, यानी कितना है बताइए यहाँ पे, 20 m/s, ये वेलोसिटी ऑफ द मोटर बाइक है, ठीक है? द जीप फॉलोज इट एट द स्पीड ऑफ 90 km/h. अब ये जो पुलिस की जो जीप है, वीपी का मतलब है पुलिस, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कल्प्रिट है, इसको वी सी लिख देते हैं, कल्प्रिट है, ये सी लिख दिया हमने, ये कल्प्रिट है और यहाँ पे वीपी है, पुलिस है। इसकी स्पीड कितनी है बताइए, 90 है, यहाँ पे 90 km/h है इसकी स्पीड। तो 90 × 5/18 कितना आएगा बताइए यहाँ पे, 25 m/s इसकी स्पीड आएगी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस आएगी 90 m/s, क्रॉसिंग द टर्निंग एट 10 सेकंड्स लेटर देन द बाइक। अब सुनो, पता क्या हुआ है, एक सड़क थी ऐसे सीधी, ठीक है, ये सीधी सड़क थी और ये सड़क आगे जाके मुड़ गई, अब ये सड़क जाके ऐसे मुड़ गई। अब पता क्या, जब यहाँ पे कल्प्रिट था, जब कोने पे था कल्प्रिट, पुलिस वाला यहाँ कहीं था, पुलिस वाला यहाँ कहीं है, इसको मैं ऐसे मान लो दौड़ रही है, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर कल्प्रिट है और यहाँ पे क्या है, पुलिस, इतना गैप है। अब उस टाइम इसने टर्न ले लिया, यहाँ पे इसने टर्न ले लिया और ये कितनी स्पीड से जाएगा, अब 20 की स्पीड से जाता रहेगा और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड लग गए, अब तब तक ये जाता रहा, मतलब पता क्या, ये 10 सेकंड तक चलता रहा, यहाँ पे 10 सेकंड तक यहाँ पे ये मोटरसाइकिल चलाता रहा। तो एक बात बताओ, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा इसने, एस यानी कि डिस्टेंस बाय कल्प्रिट, डिस्टेंस बाय कल्प्रिट इन 10 सेकंड्स कितना हो जाएगा बताइए, क्या लगता है आपको, स्पीड कितनी थी इसकी, 20, और टाइम कितना है, 10 सेकंड, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 200 मीटर जब ट्रैवल कर गया तो पुलिस यहाँ पे पहुंची है, ठीक है ना? अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे पुलिस है पी, यहाँ पे चोर है ये, ठीक है ना, ये कल्प्रिट है यहाँ पे, और गैप इनके बीच का 200 मीटर, ये कितनी स्पीड से जा रहा है यहाँ पे, 25 की स्पीड से, और ये कितनी स्पीड जा रहा है यहाँ पे, 20 की स्पीड से, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? अब assuming that they travel at constant speeds, assume करना है कि इनकी स्पीड दोनों की घटबट नहीं रही, how far from the turning will the jeep catch up the bike, catch up with the bike, सुन अब, यहाँ से टर्निंग जो है ना, यहाँ से कितनी दूर के बाद ये पकड़ लेगा, पकड़ तो लेगा तो पक्का है, क्योंकि इसकी स्पीड 25 है, इसकी स्पीड 20 है, अब ये सड़क बहुत लंबी है, ऐसा मत सोचना है कि ये गिर रहे हैं, ये फ्री फॉल हो रहा है, ऐसा मत सोचना, सीधा ही ग्राउंड के ऊपर ये घटना घट रही है, ग्राउंड के ऊपर एक सड़क ऐसे आ रही थी और वो सड़क ऐसे जा रही है अब, ठीक है ना, ये सड़क ऐसे आ रही थी, ये कोने पे ही पहुंचा था, तो यहाँ से और पुलिस वाला पीछे था, तो ये चोर मुड़ लिया, ये कल्प्रिट जैसे ही मुड़ा, ठीक है ना, तो यहाँ पे चोर तो थीफ होता है, ये कल्प्रिट है, कोई इसने कुछ किया होगी, मतलब इसके अंदर कोई क्राइम किया होगा इसने, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर आई 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड तक वो चलता रहा इस सड़क के ऊपर, यानी कि तो इनके बीच में गैप कितना अभी, 200 मीटर, इसकी स्पीड कितनी है, 20, और इसकी स्पीड कितनी है, 25, ये बताना है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस जाने के बाद ये पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है? एक काम करो, इसको यहाँ पे रोक दो, रिलेटिव मोशन से होगा ये क्वेश्चन वास्तव में रिलेटिव मोशन का है, इसको रोक दो, इसकी वेलोसिटी प्लेट के इसको दे दो, तो ये बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पुलिस की, 5,
ये वेलोसिटी मैं रेड पेन से दे रहा हूँ इसकी वेलोसिटी, या मतलब ब्लू पेन से दे रहा हूँ, रेड पेन से दे रहा है, इसकी जो स्पीड है ना ये 20 प्लट की दे दी मैंने ऊपर की तरफ 20। अब ये चोर तो रुक गया, इसकी अब ये चोर यहाँ पे रुका हुआ है, इसकी पुलिस की स्पीड कितनी हो जाएगी 5, पुलिस की स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 5। अब इसको कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में बताइए आप, टाइम टू कैच, टाइम टू कैच कितना टाइम लगेगा इसको, 40 सेकंड। कैसे, क्योंकि 200 मीटर तो ये वाला और स्पीड कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा यहाँ पर, ये 40 सेकंड आएगा यहाँ पे, 40 सेकंड में पकड़ देगा। लेकिन हमने तो रिलेटिव मोशन से टाइम तो निकाल दिया, लेकिन वास्तव में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, अभी इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी ना वही आंसर है हमारा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस इन 40 सेकंड्स, इन 40 सेकंडों में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी बताइए आप, उसने यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्पीड कितनी रही इसकी वास्तविक स्पीड, अब इसके रिस्पेक्ट में नहीं, वास्तविक रूप से कितनी रही 25, वास्तविक स्पीड कितनी है इसकी 25, और ये वास्तव में कितने टाइम के बाद पकड़ा है इसने इसको 40 सेकंड्स के बाद, तो यानी कि कितना जाएगा यहाँ पर, ये 1000 मीटर वास्तव में, ये यहाँ से 1000 मीटर जाने के बाद पकड़ा गया, ये वास्तव में अनुक के थोड़ा खड़ा हो गया था, ये तो हमने टाइम निकालने के लिए एक ट्रिक यूज किया, रिलेटिव मोशन एक ट्रिक है जो कि टाइम निकालने में टाइम जल्दी निकल जाता है, तो इसकी वेलोसिटीज को प्लेट के दे देते हैं और वास्तव में तो नहीं हुआ ऐसा, वास्तव में तो रुका नहीं है और ना ये वास्तव में 5 से चला, ये तो एक ट्रिक थी ये 40 सेकंड निकालने की। अब रियलिटी पे आ जाओ, ये रियलिटी में चलता रहा है वास्तव में 20 से, ये चलता रहा है 25 से, तो ये 40 सेकंड बाद पकड़ा गया और 40 सेकंड तक ये पुलिस वाला 25 की स्पीड से चलता रहा, तो 25 सेकंडों में 40 की स्पीड से इसने 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया, यानी कि 1000 मीटर बाद पकड़ा गया, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद पकड़ा गया, तो आंसर इज 1 किलोमीटर। अब समझ में आ गया आपको ये?